हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। और आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग से लेकर के नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे अपनी किचन को आप नाइट टाइम में डेली क्लीन कर पाएँ। फ़िलहाल अभी शाम का टाइम है, 6 बजे होंगे अराउंड, और मैं यहाँ पे अपने बेटे का दूध गर्म कर रही हूँ। शाम को वो थोड़ा खेल के आता है तो उसे दूध चाहिए होता है, भूख लग जाती है उसे, तो मैं यहाँ पे उसके लिए मिल्क बना रही हूँ और उसके साथ उसे कुछ स्नैक्स वगैरह दूँगी खाने के लिए। ये बॉर्नविटा डाल रही हूँ उसके ग्लास में, बॉर्नविटा पी लेता है वो। स्टार्टिंग के डेज़ में मैंने उसको पी दिया, श्योर भी दिया था ग्रोथ रीजंस की वजह से, तो पी लेता है बॉर्नविटा भी और हॉर्लिक्स वगैरह पी ही लेता है, लेकिन प्लेन दूध उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं कुछ ना कुछ डाल ही देती हूँ। और ये मेरे पास स्टील के स्ट्रॉज हैं तो मैं यही उसको देती हूँ पीने के लिए। पहले बॉटल से पीता था वो, तो काफ़ी टाइम बाद उसने बॉटल छोड़ी थी तो स्ट्रॉ से पीना स्टार्ट करवाया था उसको, तो अब वो स्ट्रॉ से पी लेता है इजीली। और यहाँ पे मैं उसको दूध छान करके दे रही हूँ, रीज़न बीइंग कि वो बिल्कुल भी मलाई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता दूध में, वो पूरा दूध वापस ले आता है अगर उसको थोड़ा सा भी मलाई उसके अंदर लगी तो। मुझे प्रॉपर छान के ही देना पड़ता है उसको, तो बस यहाँ पे मैं उसको दे आऊँगी, वो अपना मिल्क पीता रहेगा और अपनी स्टडीज़ साथ में करता रहेगा और मैं बाकी का काम करूँगी आगे। अब मैं यहाँ पे डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। इस टाइम पे मेरी बेटी सो रही है तो मैं फटाफट से डिनर बना लूँगी, फिर वो उठेगी तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा मुझे। तो फिलहाल मैं, आप यहाँ पे काउंटर टॉप पे देख रहे होंगे कि कुछ कैरेट्स रखी है और मैं आलू छील रही हूँ। तो आज किचन में बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी विंटर स्पेशल आलू गाजर मटर की टेस्टी सी सब्जी बनने वाली है, रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले सारा कटिंग एंड चॉपिंग का काम मैं कर लूँगी। इस ये काम में बहुत ही टाइम लगता है एक्चुअली, अगर ये काम कोई करके दे दे तो खाना बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट बिना हेल्प के करना ही पड़ता है, क्या करें। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं एक बीटरूट भी पील कर रही हूँ, ये छोटे साइज़ का बीटरूट है। मैं डालूँगी गाजर आलू मटर की सब्जी में, इससे इसके रंग में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा लेकिन इसके टेस्ट में कहीं से कहीं तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गाजर हल्की सी मिठास के साथ होती हैं तो बीटरूट भी थोड़ी सी मीठी ही होती है, इससे सब्ज़ी मीठी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसमें टमाटोज़ भी ऐड करूँगी, तो ये छोटी सी बीटरूट है, इससे सब्ज़ी के टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं होने वाला है, इवन सब्ज़ी बहुत टेस्टी ही बनती है। बीटरूट की अलग से भी आप सब्जी बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे मैं आपको इसके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी एक बारी। और यहाँ पर मैं मैनुअल चॉपर में जो 2-3 मीडियम साइज़ के अनियन है वो ले लिए हैं मैंने, और साथ ही गार्लिक भी मैंने इसी में चॉप किया है, मैं अलग से नहीं डालूंगी। और वहाँ पे कुछ टमाटोज़ भी आप देख रहे होंगे, तो ये 2-3 टमाटोज़ हैं, ये उसी सब्जी में जाने वाले हैं। गाजर आलू की सब्जी में टमाटर थोड़ा अच्छे से ही डालने चाहिए क्योंकि थोड़ा सा खटास के साथ ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, अदरवाइज़ गाजर बहुत मीठी मीठी सी हो जाती है, वो सब्ज़ी बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगती। मसाले, नमक, मिर्च, टमाटर, प्याज, इसका अच्छा सा बैलेंस हो तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और आजकल तो मार्केट में इस टाइम पर गाजर आनी शुरू हो गई है, तो इस टाइम पे आप विंटर्स में गाजर ज़रूर लाएं, खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, गाजर बहुत हेल्दी होती है बच्चों के लिए भी। सो सिर्फ हलवा ही ना खाएं, सब्जी में भी बना सकते हैं, इसका पराठा भी आप बना सकते हैं, इसको आटे में डाल करके गूंथ दें तब उसका उसकी रोटी भी बना सकते हैं आप, तो बहुत सारी वेरियंट्स में आप गाजर को यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पे मैंने बातों ही बातों में अपने टमाटर भी चॉप कर लिए हैं, मैंने ये बहुत मीडियम साइज़ के ही बाइट साइज़ काटे हैं ये, और साथ ही मैंने 2-3 ग्रीन चिली भी डाली है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था आपको कि मैं थोड़ा सा चिलीज़ अब ऐड कर देती हूँ, बेटा मेरा खा लेता है, तो रेड चिली नहीं, मैं ग्रीन चिली ही डालूँगी। टमाटर मैंने मोटा मोटा ही काटा है, बहुत बारीक नहीं काटा है। उधर मेरी सब्जियाँ भी मैं एक बार फिर से धो लूँगी बनाने से पहले। प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ मैं ये सब्जी को, कढ़ाई में नहीं बनाऊँगी।
तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर चढ़ाया है और उसके अंदर मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल। ऑयल वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। मैं अगर 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ तो हो सकता है आपके लिए 2 टेबलस्पून ज़्यादा हो तो आप 1 डालें। कुछ सब्जियों में तेल ठीक ठाक ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो मसाला डाला था वो है पंचफोरन। पंचफोरन में 5 तरह के मसाले होते हैं, जैसे कि राई है, मेथी दाना है, सौंफ, जीरा और अजवाइन, ये सब चीज़ों का मिक्स होता है। कलौंजी भी होती है इसके अंदर। तो 5 तरीके के मसाले होते हैं, उसी को मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। इसको अचारी मसाला भी बोलते हैं। साथ ही डाली थी थोड़ी सी हींग और उस वो क्रैकल हो गए थे तो मैंने डाल दिया था अपना अनियन और गार्लिक जो मैंने मैनुअल चॉपर में चॉप किया था। अच्छे से भून लूँगी इसको, हल्का सा ही ब्राउन करना है, ध्यान रहे कि जल ना जाए। दोबारा से एक बार चला करके मैं इसमें जो मैंने टमाटोज मैंने मोटे मोटे काट दिए थे उनको मैं डाल दूंगी। और यहीं पे मैं बाकी सब चीज़ें भी इसमें डाल रही हूँ। टमाटर जल्दी से गल जाएं इसके लिए मैं डाल रही हूँ सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से और बाकी सारे रूटीन के मसाले। कोरिएंडर पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है और हल्की सी मैं ये तीखी वाली डाल रही थी इसमें, फिर मैंने हाथ रोक लिया कि ग्रीन चिली भी डाली है। और थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें, 1/2 चम्मच के अराउंड। और मैं इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं डाल रही हूँ, रीज़न बीइंग कि मैं इसमें बीट रूट डाल रही हूँ, उसी से बहुत अच्छा कलर इस सब्जी में आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाएगा। भून रही हूँ मसाले को अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि हमें इस मसाले को कच्चा नहीं खाना है, एट दी एंड हमें इसमें विसिल भी लगानी है, तो बहुत ज़्यादा ना भूने इस पॉइंट पे। थोड़ा सा रॉ फ्लेवर्स सारी चीज़ों का निकल जाए उसके बाद आप इसमें सारी सब्जियां जो है वो शामिल कर दें। यहाँ पे मैंने आलू के जो चंक्स हैं वो थोड़ा बड़े बड़े ही काटे हैं क्योंकि अगर मेरा बेटा गाजर और ये नहीं खाएगा बीट रूट तो ऑप्शन उसके पास होना चाहिए कि वो सिर्फ आलू के साथ खा ले। हालांकि मैं ये ट्राई करती हूँ कि वो सारी चीज़ें खाए, बट आलू भी ऑप्शन में होना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और साथ ही मैंने 1 कप के अराउंड बहुत छोटा सा कटोरी है डाला था मैंने मटर का, फ्रोज़न मटर है। और साथ ही यहाँ पे मैंने उसी कटोरी का 1/2 कटोरी के अराउंड मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसमें मैं विसिल लगाऊंगी। उधर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी धो लिया था, अब मैं इसको काट रही हूँ। हरा धनिया इस सब्जी में बहुत टेस्टी लगता है। डालने के लिए आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट हरे धनिया का आता है वो टेस्ट कसूरी मेथी से कभी भी नहीं आएगा, तो कोशिश करें कि हरा धनिया डालें। ये सब्जी विंटर में बहुत बहुत टेस्टी लगती है, रोटी पराठा के साथ आप खाएं, पूरी के साथ खाएं, तो बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे दूसरा काम मैं करने लग रही हूँ, ये मैं एक एग ट्रे ले आई थी। तो ये काउंटर टॉप पे अगर आपको आप इसी तरीके से रखे रहें तो ये बहुत बेकार सी दिखती है, अच्छी भी नहीं लगती है और काफ़ी जगह ऑक्यूपाई कर लेती है काउंटर टॉप पे। तो मैं इस तरीके से अरेंज करके इनको रख देती हूँ एक बास्केट में। नीचे मैंने एक पेपर टॉवल लाइन किया था और उस पर मैंने ये एग्स रख दिए थे। और इनको मैं एज इट इज़ फ्रिज में भी रख सकती हूँ, बट विंटर्स में फ्रिज में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर ही बहुत ठंड होती है, तो मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था। ये देखने में थोड़ा डिसेंट भी लगता है और ज़्यादा जगह भी ऑक्यूपाई नहीं करता है। उधर हमारी सब्जी भी बनके रेडी थी, मैंने इसमें 2 विसिल लगाई थी, 2 विसिल में ही सब्जी बन करके तैयार है एकदम। और कुछ पोटैटोस को मैं इसमें मैश कर रही हूँ ताकि सब्जी थोड़ा मशी सी लगे, बाकी नहीं करूँगी क्योंकि बेटा फिर नहीं खाएगा। और साथ ही साथ मैं ये जो सब्जी है मेरी इसको मैं कैसरोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, बिकॉज मैं पहले बच्चों को खिलाऊँगी और फिर मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट ही खाएंगे, तब तक ये सब्जी थोड़ा सा गर्म रहेगी, दोबारा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो प्रेशर कुकर है मैं इसको साथ के साथ वॉश करके रख दूँगी, इससे बर्तन भी कम होते हैं जब आप खाने के बाद आएँ, साथ के साथ क्लीनिंग करने से अच्छा ही रहता है। और फिर डाल दूंगी हरा धनिया इसके ऊपर। ये देखिए कितनी टेस्टी यम्मी लाजवाब ये सब्जी बनी है, प्लीज ट्राई करें, जरूर बनाएं, सब अपने परिवार में खिलाएं, मस्ट ट्राई रेसिपी इन विंटर। और उधर मैंने आटा भी लगा के तैयार कर लिया था और मैं यहाँ पे सबसे पहले बच्चों के लिए रोटियां बना लूंगी। कैसरोल लिया है मैंने, उसके ऊपर मैं टिश्यू पेपर लाइन कर रही हूँ
मैं हर बार नया टिश्यू पेपर लाइन करती हूँ, कपड़ा मैं यूज़ नहीं करती हूँ कभी भी, उसमें बहुत स्मेल आती है। हर बार जब भी आप धोएं या जब भी यूज़ करें तो स्मेल रह ही जाती है उसमें, तो मैं टिश्यू पेपर ही यूज़ करती हूँ। जितना यूज़ करो उतना आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं ईजिली और अपना कैसरोल जो है वो नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। ड्राई फ्लावर बॉक्स निकाल लिया था मैंने और बगल में घी का बॉक्स भी मैंने खोल लिया था, घी का डिब्बा। बच्चों के लिए पहले मैं चपाती बना लूँगी, फिर हस्बैंड अभी कुछ काम कर रहे हैं वो आएंगे तब मैं फिर बनाऊँगी उनके लिए भी। उस बीच में मैं फिर दिया बाती भी कर लूँगी अपना। यूजुअली मैं 7 बजे तक दिया बाती करके बच्चों को 7:30 बजे तक खाना खिला देती हूँ, बिकॉज मैं फिर मेरा बेटा नेक्स्ट डे स्कूल जाता है तो वो देर से उठता है, अगर उसको जल्दी ना सुलाओ तो फिर अगर बच्चों के साथ ऐसा करें तो उनके रूटीन में ही बन जाता है कि लेट सो रहे हैं और लेट ही उठ रहे हैं, तो इसीलिए बच्चों को पहले खिला करके मैं उन्हें सुला देती हूँ। हालांकि बेटी बहुत लेट सोती है, फिर वो देर तक सोती रहती है तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि उसने तो कहीं जाना नहीं है। बस यहाँ पे फटाफट मैं कुछ एक आध रोटियां सेक लूंगी। और अनफॉर्चुनेटली मेरी पहली वाली जो रोटी थी वो बिल्कुल फूली नहीं। मेरी बेटी आ गई थी एक्चुअली, वो कैमरा स्टैंड को वो हिला रही थी तो मेरा ध्यान उधर चला गया तो वो तवे पे हल्की सी लग गई थी रोटी, इसी वजह से वो फूली नहीं। बट आगे की सारी रोटियां श्योरली फूलेंगी। फूली फूली रोटियां अच्छी लगती हैं अगर गरम गरम खाई जाए, घी लगा करके बहुत ही टेस्टी लगती है, और अगर सब्जी इतनी टेस्टी बनी हो तो कहने ही क्या है। बाकी सब मैं बॉक्स वगैरह भी बंद करके रख दूंगी। यहाँ पे रोटियां भी मेरी तैयार हो गई है गर्मा गर्म, घी लगा दूंगी सबके ऊपर और गरम गरम खाना खिलाना अपने परिवार को बच्चों को इज सच अ ब्लेसिंग। बहुत अच्छा लगता है जब आपके हाथ में ये हो कि आप गर्मा गर्म अपना खाना बना रहे हैं और तभी परिवार को खिला रहे हैं, मन को बहुत शांति मिलती है। और फिलहाल इस बीच में हमारा डिनर हो चुका था, बच्चे भी खा के ऑलमोस्ट सो ही गए थे, बेटा तो सो गया था, बेटी नहीं सोई थी, मेरा और हस्बैंड का भी डिनर हो गया था और बेटी ने सब्जी नहीं खाई थी मुझे लग ही रहा था, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा ओटमील बनाया था। हालांकि उसने बहुत कम ही खाया, मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि उसको वैक्सीन लगी थी तो काफ़ी अनईजी थी वो, उसके पैर में थोड़ी स्वेलिंग थी। इवन दो मैं कर ही रही थी बर्फ से उसकी सिकाई, बट फिर भी वो थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत कर रही थी, थोड़ा फीवर भी था तो इसलिए वो रोटी तो बिल्कुल ही नहीं खा रही थी, तो मैंने सोचा ओटमील बनाती हूँ, बट ओटमील भी उसने थोड़ा सा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया, तो बस वही मिल्क पे ही है अभी फ़िलहाल वो, तो थोड़ा सा ही खाया उसने, बाकी मैंने उठा करके फ्रिज में रख दिया है। अब मैं किचन में आ गई हूँ अपनी बाकी का काम निपटाने के लिए, फटाफट से निपटा लूँगी। बर्तन वगैरह सब मैंने अपने सिंक में इकट्ठे कर दिए थे धोने के लिए, और यहाँ पर मैं एक स्प्रे लेकर के आई हूँ, ये मिस्टर मसल का स्प्रे है, इसमें हाफ ऑफ वाटर है एंड हाफ ऑफ मिस्टर मसल का स्प्रे है, वो किचन क्लीनिंग के लिए बहुत बढ़िया होता है, सरफेस क्लीनिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैं उसे पूरे गैस स्टोव पर स्प्रे कर रही हूँ, इससे सारी की सारी जितनी भी डर्ट होती है, गंदगी होती है, कुछ सब्जी गिर गई है, चाय गिर गई है या दूध वगैरह गिर गया है तो जो गंदगी होती है वो एकदम से फूल जाती है, और कुछ देर के लिए इसको छोड़ दें आप ऐसे ही तो एकदम से जब आप इसको स्क्रब पैड से स्क्रब करेंगे तो वो सारी गंदगी निकल आती है। तो वहाँ पे मैंने अपना गैस स्टोव स्प्रे करके छोड़ दिया है ऐसे ही। यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तनों की क्लीनिंग के लिए, और सबसे पहले मैं ये सारे के सारे बर्तन जो है हॉट वाटर से क्लीन करूँगी, गर्म पानी चला रखा है मैंने, ये सारी की सारी गंदगी जो है गर्म पानी से ईजिली निकल जाती है, और क्योंकि आजकल विंटर्स हैं तो विंटर्स से जो चिकनाई होती है या तेल है घी है अगर आप खा रहे हैं खाने में तो वो बर्तनों से इतनी जल्दी निकलता नहीं है क्योंकि टैप वाटर तो ठंडा ही आता है, तो मैं पहले सारे बर्तनों को जो है गर्म पानी से अच्छे से क्लीन करके साइड रख देती हूँ, उसके बाद फिर उन्हें मैं अगले प्रोसेस में करती हूँ। यहाँ पर बर्तन सारे मैंने एक तरफ कर दिए हैं धो करके,
और उसके बाद मैं अपने सिंक को पहले क्लीन कर लूँगी। जितनी भी गंदगी इसके ऊपर आई है, ये जो जाली होती है, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, ड्रेनेज की जो ऊपर जाली होती है उसके ऊपर ये गंदगी सारी आई है, मैं इसको हटा दूँगी। और उसके बाद स्क्रब पैड पे थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड लेकर के मैंने अच्छे से क्लीन कर लेना है इस सिंक को। ये मेरा बिग साइज़ का सिंक है तो काफ़ी अच्छा है। मैं हमेशा बर्तन धोने से पहले अपने सिंक को थरली वॉश कर लेती हूँ ताकि जब भी बर्तन मैं इसमें रखूँ तो बहुत ज़्यादा गंदगी ना लगे और चिकनाई ना हो। सबसे बड़ी बात, चिकनाई ना हो सिंक में आपके बिल्कुल भी, अदरवाइज़ वो जब भी आप बर्तन धोएंगे तो वो बर्तनों में ही लग जाती है। फिर अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके आपने जितने भी बर्तन मैंने गर्म पानी में धोए थे उन्हें अब इसमें विम लिक्विड से धो करके और इसमें रखती रहूँगी और फिर फाइनली धो करके फिर मैं अपने ड्राइंग रैक पे लगा दूँगी। यहाँ पे लाइट थोड़ी ऑन ऑफ हो रही थी, ये ऑन ऑफ इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरी बेटी जो है वो आकर के स्टैंड छेड़ जा रही थी और मेरा ध्यान बार बार वहाँ जा रहा था, तो इसी वजह से वो ऑन ऑफ हो रहा था कैमरा पे। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे बर्तनों को धो करके अपनी ड्राइंग रैक पे लगा दिया है, ये सुबह तक इस पर अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। समटाइम्स मैं इसको बाहर धूप में भी रख देती हूँ, दिन में जब मैं सुबह के बर्तन धोती हूँ तो वहाँ पर भी अच्छे से सन ड्राई हो जाते हैं, इससे रैक में जो है जंक नहीं लगता है, वो अच्छे से ड्राई होती है और बर्तन भी अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। और साथ ही नीचे ये ट्रे है जो एक्स्ट्रा वाटर बर्तनों में रह जाता है वो सब इसमें ड्रेन हो जाता है और फिर मैं इस ट्रे का पानी भी निकाल देती हूँ उसी समय पे और फिर इसको दोबारा यहीं पे लगा देती हूँ। जो पानी टपकता रहता तो इसमें इकट्ठा हो जाता, तो मैं मॉर्निंग में भी फिर उसको एक बार ड्रेन कर देती हूँ। तो ये वाला जो ड्राइंग रैक है ये मैंने शायद अमेज़ॉन से लिया था, तो काफ़ी अच्छा है, इसमें अभी तक तो कोई लगा नहीं है जंक, तो क्योंकि धूप में भी सुखाती हूँ मैं इसे, धो भी देती हूँ वीक में एक बार। और यहाँ देखिए मेरा सिंक भी एकदम चमचमाता हुआ, साफ़ कर दिया था मैंने बर्तन धोने के बाद एक बार फिर से। सिंक अगर आपका साफ़ रहे, एकदम बर्तनों से खाली रहे, तो क्लीनिंग मोटिवेशन तो अपने आप ही आ जाता है। और वहीं अगर आपके बर्तन सिंक में भरे हुए हों हमेशा तो बिल्कुल भी काम करने का मन ही नहीं करता पहली बात तो। फिर मैं आ गई थी अपना गैस स्टोव साफ़ करने के लिए, उसी स्क्रब पैड पे मैंने थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड लिया था एक ड्रॉप के अराउंड और फिर मैं अपना ये गैस स्टोव भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ऑनेस्टली मैं इसको दिन में तीनों टाइम बिल्कुल भी साफ़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लग पाता, तो मैं दिन में एक बार तो ज़रूर कर देती हूँ। इवन दो खाना तो तीनों टाइम ही बनता है बट साफ़ मैं इसको एक ही बार कर पाती हूँ। अगर मैं रात को नहीं कर पाती तो मैं दिन में कर लेती हूँ या फिर सुबह को कर लेती हूँ, बट इतना ज़रूर मैं करती हूँ कि अगर रात को कर दिया तो ज़्यादा बेटर है। अगर किचन में कोई भी अप्लायंसेस अगर आपने गंदा छोड़ा है, मिक्सी है, आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, गैस स्टोव है, गंदगी अगर आप छोड़ देते हैं उसके ऊपर तो कीड़े वगैरह जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, चींटियां हैं, कॉकरोच हैं, तो वो फिर किचन में आपके धीरे धीरे घर बनाने लगते हैं और फिर उससे गंदगी और बढ़ने लग जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रात के टाइम तो अपना एटलीस्ट गैस स्टोव, अपने अप्लाइंसेस, काउंटर टॉप ये सब आप क्लीन करके सोएं। आटा गिरा है या फिर ड्राई फ्लावर होता है ना जो रोटियां बनाते समय थोड़ा थोड़ा रह जाता है, या फिर चाय गिरी है कहीं पर, चाय के स्टेन्स हैं, दूध गिर गया है, तो वो सब बिल्कुल आप क्लीन करके सोएं ताकि सुबह एकदम फ्रेश किचन आपको मिले खाना बनाने के लिए, तो मन भी करेगा बिल्कुल। तो वहाँ पे फिर मैंने गैस स्टोव अच्छे से क्लीन करके उसके ऊपर मैंने गैस की प्लेट और फ्रेम जो तो होता है वो लगा दिया है वापस से, वो भी मैंने धो लिया था। और यहाँ पे जितना भी खाली स्पेस है मैं इसको क्लीन कर लूँगी। ये लाइज़ोल लेकर के आई हूँ मैं, ये किचन और सरफेस क्लीनर होता है ये, तो मैं इसको स्प्रे कर दूँगी अच्छे से और अच्छे से यहाँ पर भी मैं क्लीनिंग कर दूँगी। मुझे काउंटर टॉप का जो खाली एरिया होता है ना वो बिल्कुल चमचमाता हुआ बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल उसमें हाथ दिख रहा हो आपका या कोई बर्तन रखा हो तो वो भी उसकी रिफ्लेक्शन उसमें आ रही हो, तो इस तरीके का चमचमाता हुआ काउंटर टॉप मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हमेशा अपना जो काउंटर टॉप है वो साफ़ रखती हूँ।
ज़्यादा स्पेस इसमें ऑक्यूपाई नहीं करती चीज़ें रख के। उसके बाद यहाँ सफाई करने के बाद मैं ये जो ड्राइंग रैक है इसको इधर शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि मुझे अब सिंक एरिया भी साफ़ करना है और बाकी की चीज़ें भी यहाँ रख दूंगी। कई बार मैं यहाँ पे स्क्रब पैड से भी विम लिक्विड डाल करके साफ कर देती हूँ, बट वो मैं वीक में एक दो बार ही करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं करती। स्प्रे भी मैं वीक में एक या दो बार ही करती हूँ, अदरवाइज़ मैं खाली अगर आप वाई पीक भी कर दें उसको सोने से पहले तो भी बहुत सफाई रहती है। तो यहाँ पे जो मेरी विंडो है, विंडो के ऊपर भी ये पत्थर ही लगा हुआ है, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने तेल के कंटेनर रखती हूँ तो कई बार उसे स्टेन लग जाते हैं, और हैंड वॉश है और डिश वॉश क्लीनिंग है, तो वो क्लीनर्स हैं वो सब मैं यहाँ पे रखती हूँ, तो स्टेन लग ही जाते हैं, कोई ड्रॉप गिर गई तो उसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। रात को सोने से पहले मैं सब कुछ अच्छे से साफ करके ही सोती हूँ। इंडक्शन वगैरह भी मैंने क्लीन कर लिया है, और ये एक बॉटल मेरी हैंड वॉश की है और ये दूसरी बॉटल है डिटर्जेंट लिक्विड है इसके अंदर, थोड़ा बहुत मैं रखती हूँ किचन में ताकि मैं किचन के जो ये डस्टर वगैरह होते हैं सफाई करने के बाद मैं इन्हें आराम से धो दूँ, मुझे इधर उधर जाना ना पड़े कि बाथरूम में जा रहे हैं फिर वहाँ से सर्फ ला रहे हैं फिर धो रहे हैं फिर रख रहे हैं, तो वो ना करना पड़े, किचन में ही सब कुछ अवेलेबल हो। इसके साथ मैं यहाँ पे लोशन भी रखती हूँ मॉइस्चराइज करने के लिए अपने हाथों को, बट वो भी ख़त्म हो रहा था तो वो मैंने हटा दिया वहाँ से। और साथ ही मैं एक ये साफ टॉवल लेके आई हूँ, जितने भी कैबिनेट्स हैं मेरे नीचे के उन्हें भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये कैबिनेट्स मैंने अभी नवरात्रि के टाइम पे ही लगवाई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, तो मैं अब इनको सफाई करने का काम भी मेरा एक एक्स्ट्रा बढ़ गया है यहाँ पे। इवन दो नीचे मेरी टाइल्स लगी हुई हैं इन शेल्फ्स में अंदर, वो पहले मैं क्लीन ही रखती थी, अब ये है कि बाहर का ये जो डोर्स वगैरह है इन्हें ही क्लीन रखना पड़ता है, तो वो सब सफाई करने के बाद फिर आ गई फ्लोर की बारी। और यहाँ पे ये एक रग बिछा हुआ है, ये काफ़ी गर्म है, थोड़ा मोटा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्लीपर्स वगैरह ना भी पहने हो तो भी वॉर्म वॉर्म सा ही रहता है, ठंडा फर्श पैरों पे नहीं लगता। और यहाँ पे मैं फ्लोर भी क्लीन कर लूँगी, इवन तो मैंने सुबह झाड़ू पोछा दोनों कर दिया था, बट रात को मैं ये ब्रश लेकर के एक बार पूरे फ्लोर को ब्रश कर देती हूँ। रात में कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, मेरी मम्मी तो यही बोलती थी कि रात में झाड़ू लगाना अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैं ये ब्रश से इसको अच्छे से ब्रश कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए एक क्लीन किचन का मैं आपको व्यू दे दूँ अच्छा सा, ये देखिए पूरा काउंटर टॉप एकदम से क्लीन है, और ये जो कढ़ाई आपको दिख रही है इस कढ़ाई में कुछ है नहीं, ये साफ ही है, मैंने यहाँ पे सिर्फ ड्राई होने के लिए रखी है, ड्राई होते ही मैं इसको नीचे शिफ्ट कर दूंगी रैक में। साफ सुथरा मेरा सिंक, फ्लोर एकदम साफ सुथरा, किचन हो गई एकदम साफ। और लास्ट में मेरा एक काम रह गया, ये मैं एक ड्रेनेक्स का पाउच लेके आई हूँ, ये 50 ग्राम्स का है, कीवी ब्रांड का है ये, इसे मैं डालूंगी सिंक में। हफ्ते में एक बार डालने से आपका सिंक का जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छे से क्लीन रहता है, उसमें कोई भी डर्ट जमा नहीं होती। अगर आप ये एक्टिविटी हफ्ते में एक बार कर रहे हैं तो सिंक का जो पाइप होता है वो कभी भी ज़्यादा ब्लॉक नहीं होता। ये डालने से वो जितनी भी गंदगी है उसको मेल्ट कर देता है और पानी के थ्रू जो है बाहर निकाल देता है, ये बहुत अच्छा होता है, इसे आप ज़रूर यूज़ करें, मैं हफ्ते में एक बार यूज़ करती हूँ। उसके साथ ही मैं इसको गर्म पानी डाल करके सुबह वॉश भी कर दूंगी। और ये सारा काम ख़त्म करने के बाद बारी आई अपने हाथों को साफ रखने की, और तो यहाँ पे मैं अपने हाथों को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। ये बिल्कुल ना भूलें जब भी आप पानी में हाथ डालें, विंटर्स में खास तौर से बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं या कुछ भी क्लीनिंग का काम आप कर रहे हैं, उसको करने के बाद हर बार अपने हाथों को मॉइस्चराइज करें, ज़रूर करें, इससे आपके हाथों की स्किन बहुत अच्छी से रहती है, आपके हाथ हमेशा मॉइस्ट रहते हैं और अच्छे लगते हैं। विंटर्स में खास तौर से हाथों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हाथों का क्या, स्किन का, पैरों का, फेस का, सबका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो स्किन से चला जाता है। सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, बच्चे भी सो गए हैं, हस्बैंड सोने चले गए थे तो मेरे पास थोड़ा टाइम बचा हुआ था, अभी अराउंड 11:30 हो ही रहा था मेरा भी सोने का टाइम, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं थोड़ा काम कर लूँ अपना यहाँ पे, बस अपना काम करने बैठ गई थी मैं, दूध वगैरह भी हम लोग का हो ही गया था।
सो दैट्स इट, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। कुछ भी क्लीनिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो तो जाते जाते प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आगे लेकर के आऊँ। बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप रखें अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।